अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं बुला टीवी। मैं हूं हामिद अली खान। शामिल करते हैं आज की कुछ खबरें। तहरीके लबैक पाकिस्तान के हुकूमत के साथ मुज़ाकरात एक मरतबा फिर नाकाम। तर्जमान TLP की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि मुज़ाकरात के हवाले से जो भी खबरें चल रही हैं इनमें कोई हकीकत नहीं। कालादन तंजीम के तर्जमान का कहना है कि मुज़ाकरात कामयाब होंगे या नाकाम, कुछ भी कहना कबल अज़ वक़्त होगा। मुज़ाकरात की कामयाबी या नाकामी का ऐलान कायदीन करेंगे। कालादम तहरीक लबैक पाकिस्तान का कहना है कि हुकूमत के साथ मुज़ाकरात के हवाले से क्या सरायों से सबको ग्रेज करना चाहिए। तर्जमान TLP की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि मुज़ाकरात के हवाले से जो भी खबरें चल रही हैं इनमें कोई हकीकत नहीं है। कालादम तंजीम के तर्जमान का मजीद यह कहना है कि मुज़ाकरात कामयाब होंगे या नाकाम, कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त होगा। मुज़ाकरात की कामयाबी या नाकामी का ऐलान कायदीन करेंगे। ख्याल रहे कि TLP से मुज़ाकरात के लिए गुज़श्ता रोज़ वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी और स्पीकर कौमी असेंबली असद कैसर की सरबराही में एक हुकूमती कमेटी तश्कील दी गई थी जो उलमा से मुज़ाकरात करेगी। शामिल करते हैं एक और खबर। आलमी मार्केट में सोना सस्ता होने के बाद मकामी मार्केट में भी सोने की कीमत कम हो गई। मकामी सराफा मार्केटों में हफ्ते को फी तोला सोने की कीमत में मजीद 1300 रुपए कमी रिकॉर्ड की गई। सोने की कीमत 1,17,300 रुपए हो गई। दो रोज में सोने की फी तोला कीमत तकरीबन 14,000 रुपए की कमी आ चुकी है। आलमी मार्केट में सोना सस्ता होने के बाद मकामी मार्केट में भी सोने की कीमत कम हो गई। मकामी सराफा मार्केटों में हफ्ता को फी तोला सोने की कीमत में मजीद 1300 रुपए कमी रिकॉर्ड की गई, जिससे सोने की कीमत 1,17,300 रुपए हो गई। इससे कबल जुमा को भी सोना 250 रुपए फी तोला सस्ता हुआ था। दो रोज में सोने की फी तोला कीमत में तकरीबन 14,000 रुपए की कमी आ चुकी है। हफ्ता को 10 ग्राम सोने की कीमत में 1,114 रुपए की कमी से 1,566 रुपए हो गई, जबकि चांदी की फी तोला कीमत 1,440 रुपए बरकरार रही। सराफ एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक आलमी मार्केट में सोने की कीमत में $11 की कमी हुई है, जिससे फी और सोने की कीमत बढ़कर $1,783 हो गई है। लेकिन इसके बरक्स मकामी मार्केट में पाकिस्तानी रुपए के मुकाबले में अमरीकी डॉलर की कदर में कमी के बायस सोने की कीमत में कमी आ गई और मुसलसल दूसरे रोज सोने की कीमत में कमी का रुझान देखने में आया। इससे कमल सोने की कीमत में मुसलसल इजाफा देखा जा रहा था और मंगल को सोने की फी तोला कीमत 42 रुपए के इजाफे से 1,32,000 रुपए की बुलंद सतह पर पहुंच गई थी, जिससे अक्टूबर में सोने की कीमत में मजमू इजाफा 18,500 रुपए तक पहुंच गया था। खबर शामिल करते हैं खेलों की दुनिया से। T20 वर्ल्ड कप पॉइंट टेबल पर दिलचस्प सूरत हाल। तफसीलात के मुताबिक ग्रुप 1 से तमाम टीमों ने 3-3 मैचेस खेल लिए। इंग्लैंड 3 फतूहात के साथ सर फहरिस्त, जनूबी अफ्रीका का दूसरा और ऑस्ट्रेलिया का तीसरा नंबर। ग्रुप 2 से में पाकिस्तान पहली पोजीशन पर, अफगानिस्तान दूसरे और नामीबिया तीसरे नंबर पर मौजूद है। ग्रुप 1 की टॉप टीम ग्रुप 2 की रनर अप टीम से खेलेगी और ग्रुप 2 की टॉप टीम ग्रुप 1 के रनर अप टीम से सेमीफाइनल खेलेगी। T20 वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल तक रसाई की जंग जारी है और पॉइंट टेबल पर दिलचस्प सूरत हाल देखी जा रही है। तफसीलात के मुताबिक ग्रुप 1 से तमाम टीमों ने 3-3 मैचेस खेल लिए। इंग्लैंड 3 फतूहात के साथ सर फहरिस्त है, जनूबी अफ्रीका का दूसरा और ऑस्ट्रेलिया का तीसरा नंबर है। ग्रुप 2 में पाकिस्तान पहली पोजीशन पर विराजमान है। कौमी टीम ने न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान को शिकस्त देकर टॉप पोजीशन हासिल की। इससे पहले वो रवायती हरीफ भारत को हरा चुका था। पाकिस्तानी टीम सेमीफाइनल के दरवाजे पर दस्तक दे रही है।